बरगढ़ जिला रे धानर अभावी बिक्री एबे मध्य लागी रही छी। दीर्घ 12 दिन हैला राजबुड़ा सांबर कृषक संगठन पदमपुर तरफ रु उपजिलापाल कार्यालय आगरे धान अवस्था गदा करी एबे मध्य चासी माने आंदोलन करिसंती। जो अंचल रो चासी रही छंती पकापाकी 4,500 उर्द चासी को टोकन एबे लैप से जाई छी। मु आपन को सीधा से लगो चित्र देखेबी। ये होची देखंतु पदमपुर उपजिलापाल कार्यालय एवं एटा जो अछि ट्रैक्टर भर्ती है कि धान भर्ती रही छी। एवं ए जो चासी माने अछंती जो समस्त तांकर जो टोकन पाई छंती आपन सीधा से लगो देखि पारथबे ए जो छी तांका हाथ रे रही टोकन धरिकी बसी रही चंती। दीर्घ गोटे एक मास अपेक्षा कला परे तांका टोकन मध्य लैप सही सारी। तो आम सीधा सलख एवं जो चाषी नेता अच्छा सहित मैं आलोचना करवा आज कौन कहे दीर्घ 12 दिन है आप आंदोलन करुँच सरकार कर्णपात करूना आगामी पदक्षेप कौन रही कौन रणनीति रही आम ये आंदोलन जारी रहा जिते दिन पर्यंत आमर ये दाबी पूरण ना होगा। जेहेतु आम अंचल गोटे कृषि भित्तिक अंचल बहुत लोक इन चाषवास करी आम जेन जीविका निर्वाहन करुचु इटा ही आमार अर्थनीतिर मुख्य स्रोत है। इटा ना बिकले आम आगामी दिन कर्म काणा तो लड़ई जारी रहा आहरी तीव्रतर हवा आज पदमपुर सब मुख्य ऑफिस गुड़ाक ताला देमु आ ताला दे सारापर आम बड़गड़ पदमपुर रास्ता कंसिया छक ठारे आम अनिर्दिष्ट काल पाई आम बंद करमु ये योजना अच्छे आज मोर टोकन व्यवहार अढ़े मस है और सेन धरण 200 पैकेट धान पकईे और से 200 पैकेट धान इहादे भी मैंने देखवार लगे जी जिमी बेले से सब बस्ता बुस्ती फाटिकी सब गदा होकर पड़ सारान धान सेनु उठावार परिस्थिति रे नैन से ही स्थिति रे तार मैंने टोकन धरी धरी करी मैंने हाथ भी तार दुखाई गलान और आम चाषवास कर खाबार लोग आम तार मैंने धान बिकमु धान बिकमु बोलकर आज का पदमपुर 12 दिन होलान कपड़ा लता धरिकी सुई सुई कर आम पंजरा भी और आम हालत भी और बिगड़ गलान इथिर उपर आम कण करमु कि जान भी नहीं पार्बार। निश्चित रूप जो चाषी मैंने प्रतिक्रिया रोते बहुत समस्या रही से मैंने ये कौन कहे जेहेतु आप टोकन रही कौन कहे के दिन है आप टोकन पाई आ समस्या असुविधा कौन हो सर जेनटा तुमने टाइम देली टोकन आसला पर तुम धान पकाब बोली खलान मसे रखल मसे रहा फिर मंडी की आनलु मंडी की आनी सारापर से भी मसे रहा बर्तमान टोकन लैस हो गला टोकन लैस हो गला बोलवार नु फिर भी आमको मसे हलानी मैंने आज पदमपुर 12-15 दिन हलान जुगी जुगी कर मंडी में जहाँ जुगलू जुगलू आसलु फिरलु तेल पकईकर टीफिन खाई मिल खाई जहाँ हालत खराब है फिर भी पदमपुर आम उपजिलापाल अफिस् सम्मुखें 12 दिन आज हलान तथापि तो भी धान रहा केनसी सार केनसी अफिसर भल सूचना नहीं देवा जे से कहले चिफ सीओस आसी से कहले मुझे 10 तो गाड़ी लगे धान किणवि एत दिन पर्यंत कह देखानी धान नहीं बिकले आम कण करमु आमर बिहार रहीगला मेडिकल खर्चा रहीगला बापार देह खराब हो रहीगला मानने स्कूल पढ़ावार लगे छुआकर पाखे पैसा यहाँ फीस लगुचे परीक्षा पसान कण करमु आमर कि मान मुंड ठीक ना निश्चित रूप से जहाँ शुणुते विभिन्न समस्या सम्मुखीन होती जेहतु धान बिक्री हो पार नहीं तो जो मंडी में धान पड़ी तो जो चाषी समस्या रही घनीभूत होबार लगी। रमेश बाबू कौन कहे दीर्घ दिन है आंदोलन करुँचु सरकार किसी शुणुना आप टोकन धरिकी बसी चाषी सहित बसी जो अधिकारी आसिले आलोचना कले कि सुफल किसी बाहर लानी आम वर्तमान विधानसभा मंत्री प्रतिक्रिया सुनला आमको भारी आश्चर्य लगुचे जेन विभाग आमको टोकन देले रजिस्ट्रेशन कले टोकन देलापर धान पकाल धान पकाला पर टोकन लैप्स है टोकन लैप्स होवार कारण जिला प्रशासन चाषी मैंने नुहसन बोल कौन जेन विभाग अधिकारी मान नेतृत्व में आज टोकन लैप्स है से दंड न देकर दंड चाषी मान दि जाऊँच विभाग मंत्री कहन बद्धता थी टोकन कष्ट उपार्जित करी मान धान समस्त मार्च 31 तारीख सुधा किणा बोलकर तो से मंत्री को आम खुला चैलेंज करुचु जे से पदमपुर अंचल के आसन सबू चाषी मैंने जेन्युन सबू चाषी मैंने कष्ट उपार्जित करान धरिक आईन सबू धान किणाबिका नाबा दिन में जेन आम बैंक मानक लोन आनचु जेन सोसाइटी मानक लोन आनचु जेन आम मालगुजारी हिसाब से पैसा देसु ये समस्त को धान आकार देमु
ଏବଂ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବାର ଲାଗି ଚାହୁଁଛୁ, ଆମର ପାଖେ ଛତିଶଗଡ଼ ଅଛି, ଛତିଶଗଡ଼ର ସବୁ ଚାଷୀ ଯଦି ଧାନ ବିକି ପାରୁଛନ୍, ଆମେ କାଁ କରି ଛତିଶଗଡ଼ରେ ନେ ମିଶମୁ? ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସବୁଦିନ ଗୋଟେ ପ୍ରତାରଣାର ଶିକାର ହଉଥିମୁ, ଏଇଟା ଆମର ଗୋଟେ ଚେତାବନୀ ହେ। ଧାନ ନ ବିକିବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ନେ ଯାଉ, ଧାନ ଆମର ସମ୍ପତ୍ତି ହେ। ଏ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଯେନ୍ ଯେନ୍ ବିଭାଗକେ ଆମର ପଇସା ଆକାରରେ ଦେବାର ଅଛେ ଧାନ ଆକାରରେ ଦେବୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ବିରାଟ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ତିଆରି ହେବା, ଯେମିତି ଲାଗି ମନ୍ତ୍ରୀ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଦାୟୀ ରହିବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି? ଆପଣ କହୁଥିଲେ ସରକାରୀ ଅଫିସ ତାଲା କରିବେ ଏବଂ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଓହ୍ଲାଇବେ, କ'ଣ ଅଛି? ଆମେ ଗଲା 12 ଦିନ ହେଲାନ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସରେ ଧାନ ରଖିକରି ବସିଛୁ। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଯେନ୍ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆସିଥିଲେ 4 ଦିନ ଭିତରେ ଧାନ କିଣାଯିବା ବୋଲିକରି କହିଲେ, ଆଜି ତାଙ୍କ ଡେଡ୍ଲାଇନ୍ ପୁରି ଯାଉଛେ। ତେଣୁ କରିକରି ଆଜି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାର ଅଫିସମାନେ ଆମେ ତାଲା ବନ୍ଦ କରିମୁ, ଏବଂ କନସିଙ୍ଗାରେ ଯେନ୍ଟା ଆମର ବରଗଡ଼ ଆଉ ନୂଆପଡ଼ା ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଚାଷୀମାନେ ଆସିକରି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିବୁ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଧାନ ବିକ୍ରି ନ ହେବା ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଂସାତ୍ମକ ପଦ୍ଧତିରେ ଆମେ ଏଇ ଅଫିସ ପାତି ବନ୍ଦ କରିକରି ସେ ଜାଗାରେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିବୁ। ଧାନ ବିକ୍ରି ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସେ ଜାଗାରେ ନ ଉଠୁ। ଆମେ ଜେନ୍ୟୁନ୍ ଚାଷୀ, ଆମକୁ ଟୋକନ୍ ଦେଇଥିଲେ, ଟୋକନ୍ ଦେଲାର ଦୋଷ ଆମମାନଙ୍କ ଲେବ୍ ସେବାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦୋଷ ନାହିଁ। ଯିଏ ଦୋଷୀ ହେ ତାକେ ଦଣ୍ଡ ମିଳୁ, ନିର୍ଦ୍ଦୋଷୀର ଧାନ କିଣାଯାଉ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଯାହା ଆପଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ଚାଷୀ ସଂଗଠନ ସିଧାସଳଖ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଧାନ ରହିଛି ନ ଉଠିବ, ମଣ୍ଡିରୁ ନ ଉଠିବ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଧାରଣାରୁ ଉଠିବେ ନାହିଁ। ବରଗଡ଼ ପଦମପୁରରୁ ମନୀଷ ଶର୍ମା, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।